गौर से देखिए इस शो को, क्योंकि इस प्रस्तुति में आप जानेंगे कि 13 पंथ कन्या मंडल की कन्याएं आखिर क्या कर रही हैं। देश भर की संयोजिकाओं को हम खड़ा करने वाले हैं इस कटघरे में और पूछेंगे ऐसे सवाल जिनका जवाब पूरा देश पूरा समाज जानना चाहता है। जी हाँ, नेशन वॉन्ट्स टू नो कि क्या 13 पंथ कन्या मंडल सच में कुछ काम कर भी रही है या सिर्फ प्रस्तुति 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 दे करके अपना प्रोपेगेंडा कर रही है। तो प्रस्तुत करते हैं आपके सामने 13 पंथ कन्या मंडल कटघरे में। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। कन्या मंडल कटघरे में मैं याशिका खटेड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आरोप है कि 13 पंथ कन्या मंडल, मंडल नाम से ही एक स्टीरियोटाइप दिमाग में आता है कि मंडल तो शायद कुछ पुराने विचारों सा या फिर ऑर्थोडॉक्स सा या फिर कुछ ओल्ड फैशन सा होता होगा। तो क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर सकती हैं मुस्कान? जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। मंडल स्टीरियोटाइप होती है, बट हमारे यहाँ बात कुछ हटके है। हम यहाँ अपने आप को बाकी फ्रेंड्स के साथ प्रोफेशनल फ्रंट में भी डेवलप करती है। उसका अंदाजा आप हमारे इस वेबिनार से लगा सकते हैं, जहां हमें कॉर्पोरेट एटिकेट्स और अपनी सीवी को कैसे बेस्ट बनाए सिखाया जाता है। हम यहाँ एज एन एंटरप्रेन्योर तो ग्रो करते ही हैं, बट साथ ही बिजनेस वुमेन नेटवर्क के साथ जुड़कर अपने बिजनेस को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट होती है, पर उसको भी हमें बहुत ही इजी वे में सिखाया जाता है, जैसे कि महाप्रज्ञ अष्टकम ऑनलाइन प्रतियोगिता, ब्रेन बिटा क्विज, जिसमें हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके भरपूर ज्ञान को प्राप्त किया है। इन सब के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेंथ भी जरूरी है। सॉरी दिखने में काफी छोटा शब्द है, पर इसका सही पावर महसूस हुआ कार्यशाला के दौरान, जिसमें हमने अपने दिल का बैर मिटाकर हमारे रिलेशनशिप को नई मीनिंग दी है। इमोशनल स्ट्रेंथ में विकसित होने में ABTKM ने कोई कमी नहीं की है। इन तीनों फ्रंट के साथ साथ जरूरी है जुड़ा। यूं तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत से दोस्त बनाते हैं, लेकिन कन्या मंडल जैसे प्लेटफॉर्म से मुझे एक नेशनल फैमिली मिली है, जिससे मैं इंडिया के कहीं भी कोने में जाऊँ तो मुझे कन्या मंडल के रूप में दोस्त मिल ही जाते हैं। क्या बात। यूं तो हम हजारों डॉलर्स खर्च करते हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब गुरुज को सुनने के लिए, पर ये सहज सारा ज्ञान हमें हमारे समाज और मंडल से प्राप्त होता है। इसीलिए हमारी कन्याएं स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, प्रोफेशनली और पर्सनली हर फ्रंट्स में डेवलप कर रही है। हम कन्याएं कभी भी कोई प्रयास से घबराती नहीं, क्योंकि हमारी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। क्या बात। कितनी ब्यूटीफुली आपने बताया है कि 13 पंथ कन्या मंडल कैसे चहुमुखी विकास में बिलीव करता है और कैसे वो बाकी सारे मंडलों से अलग है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो मैं कन्या मंडल से जुड़ गई तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मंथली एक्टिविटीज करने से रोक नहीं सकती। कन्या मंडल कटघरे में हमारे साथ जो दूसरी सेट ऑफ संयोजिकाज हैं, उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज किया है। तो मेरा सबसे पहला आरोप है मुस्कान आप पर। कहा जाता है कि कन्या मंडल की लड़कियां इतनी पावरफुल होती हैं, इतनी कैरिस्मेटिक होती हैं, अपनी वैल्यूज के प्रति इतनी अडिग होती हैं कि खुद तो वो अपनी आइडियोलॉजीज फॉलो करती ही हैं, पर दूसरों पर भी अपनी आइडियोलॉजीज को थोपती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप मुस्कान? आचार्य तुलसी ने कहा है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। ना हम कन्याएं खुद गलत करती हैं, ना दूसरों को गलत करने देती हैं। फॉर एग्जाम्पल डी एडिक्शन, इस मॉरल को न केवल हमने अपनी लाइफ में अपनाया, बल्कि जो कन्याएं इस राह से भटक चुकी हैं, उन्हें सही राह पर लाने का हमें सात्विक गर्व है। That's a fantastic movement that you're doing. अगला आरोप पूजा आप पर है कि आप जो हमेशा से दबी दबी सी रहती थी, इन दिनों कुछ ज्यादा ही दबंग हो रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मेरी जिंदगी में सूट होने वाली लाइन हो चुकी है। अब बोलने से डर नहीं लगता साहब, चुप रहने से लगता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने व्यूज को पुरजोर रखने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो 10,000 लोगों के सामने हो या करोड़ों लोगों के सामने। मैं
खुद एक इंट्रोवर्ट थी, आज इतनी एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है we don't need to feel shy anymore. We all can fly, fly and fly. आपके जोश को सलाम। दिव्या, आप पर अगला आरोप है कि आप कंजूसी की मिसाल हैं। जब भी कोई एक्टिविटी या छोटे मोटे वर्कशॉप्स करने होते हैं तो आप बाहर से एक्सपर्ट बुलाने की बजाय अपनी ही कन्या मंडल को टीचर बना देती हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? क्यों नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि सारी कन्या मंडल को इसे फॉलो करना चाहिए। इससे कन्याओं के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई चीज सीखने की एक्साइटमेंट, सिखाने का थ्रिल और उन्हें अपने ही टैलेंट से रूबरू होते हैं। मुझे तो लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। इस एंगल से तो हम सब ने कभी सोचा ही नहीं। अगला जो हमारा आरोप है वो है आकांक्षा पर। आकांक्षा, आप पर ये आरोप है कि आपने कन्या मंडल की संयोजिका होने का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है और आपने इस पद को यूज करके समाज में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। इस पर क्या कहेंगी आप? एज अ पर्सन, अगर मैं समाज से नहीं जुड़ती तो शायद मेरी इतनी पहचान नहीं बनती, और इस प्लेटफॉर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के हमारी एक पहचान बनी है। एंड आज मुझे सात्विक गर्व है कि समाज का हर वर्ग आज मुझे जानता है एंड मैं समाज के हर वर्ग को जानती हूँ। इनफैक्ट ऐसा प्लेटफॉर्म हर कन्या मंडल को मिलना चाहिए। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। तो जाना अपने सखियों कि कैसे कन्या मंडल में जुड़ करके लड़कियां अपना विकास करती हैं और साथ ही साथ पूरे संघ का भी विकास करती हैं। मेरे पास संस्कार है, मेरे पास अध्यात्म है, मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेरे पास राह दिखलाने वाले गाइड है, मेरे पास देश भर में फ्रेंड्स है, मेरे पास टैलेंट दिखाने का नेशनल प्लेटफॉर्म है, मेरे पास कन्या मंडल है। आपके पास क्या है? कन्या मंडल कटघरे में आज हमारे साथ जो ग्रुप है उन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आज के जो मॉडर्न युग है उसमें जब पूरे लोग, जब पूरी दुनिया साइंस पर बिलीव करती है, प्रमाण पे बिलीव करती है, तो वहां पर ऐसे युग में पैदा होने वाली हमारी कन्याएं आगे बढ़ करके जैनिज्म जैसे कर्म में बिलीव करना और जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनमें अंधविश्वास कैसे मान सकती हैं, बिना साइंस के प्रमाण के इस रिलीजन को कैसे फॉलो कर सकती हैं। इस पर सुनीता जी आप क्या कहेंगी? लोग ऐसा मानते हैं कि रिलीजन एंड्स व्हेन साइंस बिगिंस एंड साइंस एंड्स व्हेन रिलीजन बिगिंस, बट एवीटीकेएम के सेशन के थ्रू हमने जाना है कि जहां जैनिज्म ने किलोमीटर ही नापा है, वहां साइंस ने अभी तक मिलीमीटर भी नहीं नापा, और जैनिज्म कितना साइंटिफिक है वो अब हम बताएंगे। दैट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट। देखते हैं आप आगे क्या पेश करते हैं। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम संवरण उचरा पर मोक्ष की क्या, हमारे जीवन में नौ तत्वों का क्या महत्व है, ये हमें 25 पोल की क्लासेस में पता चला और इसे हमने क्विजेस के माध्यम से अपने जीवन में आत्मसात भी कर लिया है। जैनिज्म एंड साइंस जैसे क्लासेस से हमें समझ आया कि आठम चौदस में लिलौती त्याग करने का क्या महत्व है, और वहीं हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 21 प्रकार के प्रासुक पानी का उपयोग करें तो हम कितने असंख्यात कर्मों के बंधनों से बच सकते हैं। इसको साइंस से जोड़कर जो हमें नॉलेज मिली है उसने तो हमारी अंतर मन की ज्योति जला दी। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। श्वेता, आप क्या कहेंगी इस पर? जैनिज्म में इंटरमीडिएट फास्टिंग विजन सदियों से चला आ रहा है, जिसमें उपवास, आयंबिल, वर्षितप, मास्कमन आदि है, जबकि आज इंटरमीडिएट फास्टिंग मेडिकल रिसर्च में नोबेल प्राइज जीत रहा है। ये मेथड तो भगवान महावीर ने हमें बहुत पहले ही दे दिया है। ये तो बस उदाहरण है, इसके अलावा और कई उदाहरण हैं जो हमें बतलाते हैं कि भगवान महावीर की वाणी कितनी साइंटिफिक और प्रासंगिक है। अब प्रतिम जानकारी, सुरभि आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? मॉडर्न टाइम्स को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न तरीके से तत्व ज्ञान को समझना भी जरूरी है। इसके लिए हमने छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाए, उसका माध्यम था 7 मिनट का वीडियो, जो हर वर्ग का व्यक्ति कहीं पे भी इसे देख सकता है, समझ सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है। मतलब ABTKM ने जितने भी प्रयास किए हैं दिख रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल्स को और अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए उसका साइंस भी बखूबी जानते हैं और आप
मॉडर्न जमाने में चलते हुए हर चीजों को साइंटिफिकली देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं और अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। कल कॉलेज में पार्टी है ना यार, मैं क्या पहनूं? मैं तो कॉलेज की फैशन आइकन हूँ, मेरे को तो सबसे अच्छा दिखना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। और ये सब तो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। अब एक ही आइडिया है, ऑनलाइन शॉपिंग। अरे बट मम्मी फिर गुस्सा हो जाएंगे ना, मम्मी को कौन समझाएगा। अरे छोड़ो, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, फिर पापा संभाल लेंगे। मैंने ख्वाहिशों से ज्यादा जरूरतों को पहचाना, गलतियों से सीखकर ह्यूमैनिटी के नए अफसाने लगाए हैं। जिद तो मुझ में आज भी है, पर दिखावे की नहीं। मुझे अपने सपनों में उड़ान भी भरना है और परिवार के गौरव पर आँच भी नहीं आने दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ फैशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आरोहण करना है। कटघरे में अगला आरोप है आप सभी संयोजिकाओं पर। जहां पर दूसरे क्षेत्रों में लड़कियां ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन जैसी महनीय स्थिति में भी आप कैसे अपने मेंबर्स को बढ़ा पा रहे हैं, इसके लिए मैं जानना चाहूंगी, सृष्टि आपके क्या विचार हैं? आज जहां पर लॉकडाउन सबके लिए अभिशाप है, वहीं अहमदाबाद कन्या मंडल के लिए एक वरदान साबित हुआ है। चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे योगा हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, एबीटीकेएम एंड अहमदाबाद कन्या मंडल आज वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज अपने अपने लेवल पर कर रही है। इसका इतना प्रचार प्रसार डिजिटल मीडिया पर हुआ है कि जो लोग आज तक अपने ये जो मंडल से जुड़े हुए नहीं थे, उन्हें भी लगता है कि मंडल से जुड़ने में ही भलाई है, उसी से ही उनका बेहतरीन डेवलपमेंट हो सकता है। उसी का ही रिजल्ट है कि आज हम रोज एक न्यू कन्या को ग्रुप में ऐड करते हैं। प्रचार प्रसार से हर रोज एक नई मेंबर को ऐड करना, फैंटास्टिक अहमदाबाद। लेट्स प्रोसीड टू पिंकी फ्रॉम पालघर, आप क्या कहती हैं? तारीफ सुनना किसे नहीं पसंद है। जब हमारे काम की तारीफ लोकल के साथ साथ नेशनल लेवल पर भी होती है, तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। यही एप्रिसिएशन के स्पिरिट से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स आगे आकर काम करने के लिए तत्पर रहे। हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू बोलते ही नहीं है, उसे प्रैक्टिकली फॉलो भी करते हैं। एप्रिसिएशन से मेंबर एडिशन, अमेजिंग। सो लेट्स नाउ हियर इट फ्रॉम सूरत कन्या मंडल निराली। ज्यादातर जहाँ पर हमारे जिगरी यार, हमारे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, वहां पर हम कन्या मंडल ने अपने बॉन्ड को सिर्फ कॉम्पिटिशन और मंथली एक्टिविटीज तक सीमित ना रखते हुए इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आज कोई भी मुसीबत के समय हमें अगर किसी की सबसे पहले याद आती है तो वो हमारी कन्या मंडल की फ्रेंड होती है। और शायद इसी बॉन्ड का नतीजा है कि आज हमारी कन्या मंडल की कोई भी लड़की किसी भी काम के लिए पीछे नहीं रहती। वाओ, इटर्नल फ्रेंडशिप इज द की, अमेजिंग। नाउ लेट्स हियर फ्रॉम रानू, हु इज फ्रॉम जयपुर सी स्कीम। मंडल में जब भी हम काम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा नाम होगा, बल्कि हम ये सोचते हैं कि सबसे बेस्ट कौन कर पाएगा। यही सेल्फलेस सर्विस और सेल्फलेस की भावना हम सबको आगे लाती है और हमारे मंडल को अट्रैक्टिव बनाती है। जैसा कि बोलते हैं, टीम वर्क कैन मेक माउंटेन्स मूव, इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है वुमेन्स ऑन व्हील रैली, जिसके अंदर हमारे सामने इतना बड़ा टारगेट होते हुए भी हम कन्या मंडल और महिला मंडल ने ठान लिया था कि इसे हम करके ही रहेंगे, और आज उसी का नतीजा है। इतने 12,000 जैसे महनीय टारगेट को हम पूरा कर पाए हैं और लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज करा पाए हैं। दैट्स एन अमेजिंग स्पिरिट। अब आइए सुनते हैं हम दासरहल्ली कन्या मंडल की संयोजिका काजल से। जिस क्षेत्र में बहुत सी कन्याएं होती है वहां तो कन्याएं जुड़ ही जाती है, पर कई क्षेत्र जैसे हम 5 है पर हमें छोटा मत समझिए, हम 5 भी 50 के बराबर का काम करती है। इसीलिए हम जैसे कई कन्या मंडल यही मानती है कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स। हम छोटे होते हुए भी हमने बहुत अच्छे और सराहनीय काम किए हैं।
यानी कि इट इज नॉट द क्वांटिटी बट इट्स द क्वालिटी दैट मेक्स द डिफरेंस। यानी कि कन्या मंडल, आप समझ गई हैं ये सारे टिप्स फॉलो करके आप कैसे अपने मेंबर्स को बढ़ा सकती हैं, रिटेन कर सकती हैं और बहुत आगे तक उनके साथ जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 13 पद कन्या मंडल की कीमत तुम क्या जानो शारदा बहन, हर कन्या की चाह है 13 पद कन्या मंडल। इमोशनली स्ट्रांग बनने का रास्ता है 13 पंथ कन्या मंडल। स्पिरिचुअली अपनी आत्मा से जुड़ते हुए प्रोफेशनली स्ट्रांग बनने का रास्ता है 13 पंथ कन्या मंडल। खुद की पहचान करवाने का आईना है 13 पंथ कन्या मंडल। पूरे देश भर में नए नए दोस्त बनाने का रास्ता है 13 पंथ कन्या मंडल। ज्ञान का श्रेष्ठ भंडार है 13 पंथ कन्या मंडल। भावनाओं का संसार है 13 पंथ कन्या मंडल। रास्ता जब कोई नई दिखाई पड़े तो मार्गदर्शक मददगार है 13 पंथ कन्या मंडल। कन्या मंडल कटघरे में आज की हमारी इस ग्रुप की संयोजिकाओं पर ये आरोप लगता है कि 13 पंथ कन्या मंडल की बात करें या इस समाज से जुड़े किसी भी व्यक्ति की बात करें तो उन हर व्यक्ति को एक बहुत ही बड़ा सात्विक गौरव है इस बात का कि वो जैन है, कि वो 13 पंथी है, कि वो श्वेतांबरी है। बट क्या आपको ये नहीं लगता है कि एक जैन, एक 13 पंथी होने से पहले आप एक हिंदुस्तानी है, इस जन्मभूमि के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है? तो इस आरोप के प्रति विद्या आप क्या कहना चाहेंगे? 13 कन्या मंडल के संस्कार है खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना सिखाया गया है, इसलिए हम इंडियन सिटीजन रहते हुए कितने जागरूक हैं आइए हम आपको बताते हैं। हम 13 पंथी होने से पहले भारतीय नागरिक हैं। मैं विद्या के बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 2017 में भारत सरकार की तरफ से हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसे हमने बखूबी ही निभाया। उसमें हमने प्लास्टिक फ्री वीक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, हार्मफुलनेस ऑफ प्लास्टिक, इन सब के अवेयरनेस कैंप्स भी चलाए। हमारा शहर स्वच्छ रहे इसके लिए हमने जगह जगह डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए। इसमें हमारा सबसे बड़ा काम रहा मिशन स्वच्छता, जिसके अंतर्गत हम 3 लाख लोगों से भी ज्यादा तक पहुंचे और हमने उन्हें प्लेज दिलाई कि वह पब्लिक प्लेसेस पे कूड़ा कचरा ना फेंके। और इसीलिए अखिल भारतीय 13 पंथ कन्या मंडल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सिर्फ यही नहीं, इस पैंडेमिक में भी हम सब कन्याएं एक साथ होके पीएम केयर रिलीफ फंड में भी बड़ा योगदान दिया है। सिर्फ यही नहीं, हमारी कन्याएं देश भर में किसी ना किसी के काम आ सके उनके लिए दिन रात प्रयास, विभिन्न प्रयास कर रही है, जैसे पैड डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरकारी स्कूलों में जाके उनकी मदद करना हो, वृद्ध आश्रम और अनाथ ले जाके उनके स्माइल लानी हो। क्या बात, ह्यूमैनिटी ही रियल नेशनैलिटी है। हमारी कन्याएं गांव-गांव में जाकर औरतों को साक्षर बना रही है, उन्हें उनके आजीविका का मार्ग दिखला रही है, क्योंकि वह उन्हें काबिल बनाता है। क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है हम उन्हें काबिल बनाएं, उनके पांव पे खड़े होने दें उन्हें, और यही है कन्या मंडल का पुरजोर प्रयास। 13 पंथ कन्या मंडल, इनफैक्ट ये पूरा समाज सिर्फ आई की सोच नहीं रखता है बल्कि वी की सोच रखता है। इसीलिए इल में अगर आई को रिप्लेस कर दिया जाए तो वी के साथ वो वेल बन जाता है। तो इल से वेल की ओर का रास्ता जो 13 पंथ कन्या मंडल और इस पूरे समाज ने अपनाया है उस पे आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद। कन्या मंडल कटघरे में आज के लीडर्स पे नया आरोप। ध्रुवी माद्रेचा, आप पर यह आरोप है कि जहां पर एक कन्या मंडल की संयोजिका बनते ही लोगों के पर निकल आते हैं, वहां पर में 34 कन्या मंडल की लीडर होना ये तो बहुत ही स्वाभाविक होगा कि आप बौसीपना जरूर झाड़ती होंगी। आपकी बात सुनने में तो दी सच लग रही है, लेकिन मैं ये बात को डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि बॉस एक लीडर हो सकता है लेकिन एक लीडर बॉस ही नहीं होता। टीम हमें लीडर बनना सिखाती है।
और लीडर टीम को साथ लेकर चलना सिखाती है। इसीलिए लीडर अच्छा वही माना जाता है जो अपने टीम के सारे आइडियाज को साथ लेकर अपने क्षेत्र को आगे अपनी पहचान देता है। इसीलिए आपकी बात को यही बोलती हूँ दी कि 34 एरियाज हम अलग अलग नहीं जाने जाते, हम साथ ही मिलकर एक क्षेत्र जाना जाता है, वो है मुंबई कन्या मंडल। यूनिटी स्ट्रेंथ का परफेक्ट एग्जाम्पल है मुंबई कन्या मंडल। अगला आरोप साक्षी पर। ये कहा जाता है कि साक्षी आप अपने मतलब के लिए मीठी छुरी बनकर बड़े से बड़ों से भी अपना काम निकलवा सकती हैं। क्या ये सच है? जी हाँ ये सच है। अनेकांतवाद सिर्फ हमने पढ़ा ही नहीं है, उसे अप्लाई भी किया है। जब हम दूसरों की बातों को समझकर उसे हर एक दृष्टि से परखते हैं, विचार करते हैं और सुनते हैं, तब लीडर्स दूसरों को प्रोत्साहित करने में विकसित कर जाते हैं, फिर चाहे वो हमसे बड़े हो या छोटे। ट्रूली अनेकांतवाद कैन वर्क वंडर्स। कृति आप पर ये आरोप है कि जहां पर दूसरे एरियाज एबीटीकेएम के काम करते करते थक जाते हैं, वहां पर आपने अपनी मंडल को मध्य कोलकाता को इतना एक्टिव कर दिया है, इतना काम दे दिया है कि वहां की माएं ये कंप्लेंट करती हैं कि हमारे बच्चे सुबह उठकर ब्रश करने से पहले व्हाट्सएप देखना पसंद करते हैं। ये कैसा एडिक्शन और ये किस राह पर आप अपनी कन्या मंडल को लेकर जा रही हैं? फोन एडिक्शन बुरी है, पर ये जब हमें संयम और स्वाध्याय के मार्ग पर ले जाए तो यह उसकी उपयोगिता ही दर्शाती है। नए अंदाज में, नए रूप में त्याग संकल्प प्रीमियर लीग करानी है, चातुर्मास क्विज कॉन्टेस्ट से जाना कितनी गहरी धार्मिक कहानी है। आज हम एज लीडर सेल्फ मोटिवेटेड है तो क्यों ना त्याग कॉम्पिटिशन कराएं जिससे सब पॉइंट्स कमाएं, धार्मिक क्विज ऑर्गेनाइज कराएं जिससे जैन साहित्य और आचरण के प्रति स्वाभाविक रुचि बढ़ती जाए। ऑसम, ये होता है एक सेल्फ मोटिवेटेड लीडर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। जहां पर सब लोगों के लिए मिलना ही इम्पॉसिबल हो गया है, वहां पर कोयंबटूर कन्या मंडल इस तरीके से एक दूसरे से घनिष्ठ होती जा रही है, तो क्या आपको नहीं पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने थे भावना? हाँ बात तो सही है, रेगुलर इंटरेक्शंस को मिस करते हुए हम कोयंबटूर कन्या मंडल ने वर्चुअली एक साथ एक ही डिश अपने किचन से बनाई और इसी तरह वर्चुअली आर्ट अलोंग सेशंस को किया नरेट और इस चैलेंज की घड़ी में लर्निंग अपॉर्चुनिटी को किया क्रिएट। यही नहीं, हम कन्या मंडल लीडर्स सिर्फ अपने ही क्षेत्र के नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र की कन्या मंडल को भी ऑनलाइन इनवाइट करके उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और उन्हें सिखा भी रहे हैं। बड़े नसीबों से हमने यह संगठन पाया है जिसने आत्मनिर्भर होना सिखलाया है, नित नए सीखते हुए डिप्रेशन को दूर भगाया है, हर संभावनाओं को संभव बनाया है। ट्रूली संभावनाओं को संभव बनाना कोई कोयंबटूर से सीखे, तो ये बहुत ही गहरा जुर्म है जिसका आरोप हम लगाएंगे सलोनी पर। सलोनी आप पर ये आरोप है कि सालों से चलती आ रही ग्रुपिज्म की प्रथा को आपने एकदम जड़ से निकाल के फेंक दिया, ऐसा कैसे किया आपने? हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है ट्रिपल ई। ये क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर गर्ल्स प्लस एक्साइटमेंट ऑफ न्यू ज्वाइन गर्ल्स इज इक्वल टू एंथुजियास्टिक उधना कन्या मंडल। ये सक्सेस का मंत्र उधना कन्या मंडल को यहाँ तक लेकर आया है कि उधना कन्या मंडल एक ग्रुप है, हमारे बीच में कोई ग्रुप नहीं है। मेरे ख्याल से ये स्मार्ट टिप तो हर कन्या मंडल को अप्लाई करनी चाहिए, कैसे हर एक को साथ में लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है और नित नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। पायल आप पर ये आरोप है कि जहाँ पर नॉर्मल डेज में नॉर्मल लोगों को एंगेज कर पाना ही मुश्किल हो जाता है, वहां पर क्या हैदराबाद कन्या मंडल प्रोफेशनल्स को ब्राइब कर रही है, क्या उन्हें रिश्वत दे रही है कि वो आगे से आकर के कार्यक्रम में जुड़े? ब्राइब रिश्वत, हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसका श्रेय जाता है एबीटीकेएम द्वारा इंटेलिजेंटली डिजाइन मंथली एक्टिविटीज को, या सभी लड़कियों के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, प्रोफेशनल हो, स्कूल या कॉलेज गोइंग हो, या घर संभालने वाली क्यों ना हो। बस यही एक रीजन है कि हमसे ज्यादा प्रोफेशनल्स आगे रहती है टास्क कंप्लीट करने के लिए। ट्रूली इन लीडर्स की एक एक बात को अगर हर कोई आत्मसात कर ले तो छू लेंगे हम सितारों को, बिल्कुल दूर नहीं है मंजिल। अगर आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो लाइन क्या होगी? इट विल बी वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन।
जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक साल जो आप इस एबीटीकेएम की टीम से जुड़ी हैं, कुछ कहना चाहेंगी आप इस टीम के बारे में? हाँ जरूर, आइए बात करते हैं हमारी अध्यक्ष पुष्पा आंटी के बारे में। एबीटीएमएम के निर्देशन में एबीटीकेएम पुष्पित हो रहा है। वो हमारे आइडियाज को एंकरेज ही नहीं बट हमें एग्जीक्यूट करने में भी पूरा फ्रीडम देते हैं। एंड एवर एंथुसियास्टिक, एवर चार्मिंग एंड एवर एनर्जेटिक, यस यू गेस्ड इट राइट, तरुणा आंटी टीएमएम की महामंत्री ही नहीं बल्कि टीकेएम की फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड और बेहतरीन आइडिया की खान विद प्यारी सी मुस्कान। टॉकिंग अबाउट एबीटीकेएम प्रभारी रमन आंटी, आप सभी को बता दूं रमन आंटी सिर्फ हमारे प्रभारी नहीं बट वो हमारी सेकेंड मॉम है। ट्रूली जब भी हम हमारी मम्मी के पास कब कोई कंप्लेन लेकर जाते हैं, वैसे ही जब हम रमन आंटी के पास कंप्लेन लेकर जाते हैं, शी सॉल्व्स इट सो इजीली कि इट फील्स लाइक अ फैमिली अननोन हम बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद एबीटीकेएम। एबीटीकेएम सह प्रभारी नमिता सिंह, शी इज वेरी पोटेंशियल इन हरसेल्फ एंड डायनामिक इन नेचर एंड शी इज एक्सपर्ट इन योगा एंड शी आल्सो फील्स टू गिव सक्सेस। जिनके पास आगे बढ़ने का हौसला होता है उनके पीछे लोगों का काफिला होता है। ऐसे ही बुलंद हौसलों वाली हमारी राष्ट्रीय संयोजिका याशिका दी हमें इतने अच्छे से बुलेट पॉइंट्स करके हर कार्य को समझाती है कि कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं रहता। अगर मैं प्रज्ञा दी के बारे में बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रज्ञा दी इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव नोन इन होल कन्या मंडल। उनका 25 गोल का कार्यशाला सुनके मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हो गई एंड द वे शी एक्सप्लेन्स इज वे टू अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, इतना ही प्यार और इतना ही मजा हम सबको भी आपके साथ काम करके आता रहा है और उम्मीद है कि आगे भी आता रहेगा। थैंक यू सो मच। कटघरे में कन्या मंडल को लाना तो मात्र था एक बहाना, सही मायनों में तो उजागर करना था भीतर छुपा खजाना। जानबूझकर जब पूछे हमने ऐसे तीखे सवाल, मिले मीठे उत्तर, जाने कई अंदरूनी राज बेमिसाल। इंटरनल ऑडिट पूरी कर जब कन्या मंडल ने करी अपनी निज की पहचान, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के निर्देशन में करते रहे आरोहण, बने कई कई अनंत रत्नों की खान, अनंत रत्नों की खान।